हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो ओला S1 खरीदने से पहले ओला का सर्विस का हालत क्या है, ये आप लोगों को इस वीडियो में अच्छे से पता चल जाएगा। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। हमारा काम अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो कि ओला S1 खरीदना चाहते हैं। हमारे स्कूटर में कुछ इश्यूज दिखा गया है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इश्यूज है और कैसे इसका रिजोल्यूशन होने वाला है। तो पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, ये देख सकते हैं गैप है, और इस साइड में ये गैप नहीं है लेकिन इस साइड में गैप है। तो ये है फर्स्ट इशू। और सेकेंड इशू है कि ये अगर चलेंगे तो एक कुक 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 करके साउंड आ रहा है, मतलब कि लग रहा है कि कुछ टच हो रहा है। ये ब्रेक टच होने का साउंड नहीं है, ब्रेक टच होने का साउंड थोड़ा सा अलग होता है, खस खस करके साउंड होता है, मतलब कि कुछ घिस रहा है ऐसा। लेकिन ये जो साउंड है ये व्हील से आ रहा है, तो सामने का व्हील से। तो मैं सर्विस इंजीनियर को कॉल किया था कल, तो सर्विस इंजीनियर आए थे लेकिन उसने बोला है कि इसको लेके जाना है, लेके जाके वर्कशॉप में ही करना है। और एक चीज़, मैं सर्विस इंजीनियर को जो कॉल किया था, मतलब सर्विस सेंटर में कॉल करके जो बुलाया था, तो तब मैं बुलाया था वो सामने का जो व्हील का जो प्रॉब्लम है, मतलब जो सेकंड इशू मैंने मेंशन किया है उसके लिए। लेकिन ये जो सामने का जो पैनल का इशू है वो उसी सर्विस इंजीनियर ने डिस्कवर किया है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि सर्विस इंजीनियर ने खुद एक इशू ढूंढ के निकाला है। तो ये हो गया दो इशू। तो सर्विस इंजीनियर बोल रहे थे कि ये एक दिन में रिजॉल्व करके देंगे, तो मैंने बोला कि एक दिन नहीं, आप दो दिन या फिर तीन दिन लगाओ, लेकिन जो भी इश्यूज हैं ये तीन इश्यूज छोड़ के और भी अगर कोई इश्यूज होता है तो वो भी रिजॉल्व करके देने के लिए, ताकि मुझे बार बार इसको भेजना ना पड़े और एक ही बार में पूरा रिजॉल्व हो जाए और मेंटल सेटिस्फेक्शन मिले। तो मैं ऐसा उन लोगों को बोला है। तो अभी शायद 10-15 मिनट में वो इस गाड़ी को लेके जाएगा वर्कशॉप में, तो देखते हैं कि कितना क्या करते हैं और कोई इश्यूज़ आता है कि नहीं, मतलब कि जो सर्विस का जो करंट स्टेटस है वो अच्छे से आप लोगों को इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो अभी मेरा ओला स्कूटर रिपेयर के लिए गए हैं, 45 आवर्स हो चुका है। तो कल मतलब 20 आवर्स के बाद एक कॉल आया एंड बोला कि आपका स्कूटर रिसीव हो चुका है, एंड ये भी पूछा कि क्या क्या इश्यूज़ है वो बताने के लिए। तो मैं सब कुछ बताया और मैं ये भी बोला कि मुझे इतना एज सच कोई जल्दी नहीं है कि आप एक दिन में डिलीवरी दो या फिर दो दिन में इसको रिपेयर करके मेरे पास भेजो। तो मैं फिर भी पूछा कि कितना टाइम लगेगा, तो बोला कि 6 सितंबर तक लगेगा। मतलब कल था 1 सितंबर और बोल रहा था कि 6 सितंबर को मिलेगा, मतलब कि 5 दिन का टाइम मांग रहा था। तो मैं पूछा कि इतना टाइम क्यों लगेगा, तो बोला कि गणेश पूजा चल रहा है तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं फिर मेरे साइट पे, मतलब मेरे घर पे जो सर्विस इंजीनियर आया था उनको पूछा कि उनको कॉल करके पूछा कि इतना टाइम क्यों लगेगा। तो उन्होंने बोला कि सर आपकी जो स्कूटर है उसके ऊपर काम चालू हो चुका है, तो आपको सैटरडे तक, मतलब कि आज ही के दिन इसका डिलीवरी मिल जाएगा। तो मैं सुन के खुश हुआ और ये चीज़ सही भी है, क्योंकि मुझे ये देख सकते हैं आप, SMS देख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरे स्कूटर के ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है। तो देखते हैं आज के दिन ये स्कूटर मिलता है कि नहीं, या फिर मिलता है तो कब तक मिलता है, सचमुच ये ट्यूसडे तक जाता है कि नहीं, तो देखते हैं क्या होता है। तो स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो, सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो। हाँ, तो गाड़ी मेरे पास आ गया है, 5 दिन बोला था लेकिन 2 दिन में ही डिलीवरी कर दिया है गाड़ी रिपेयर करके। तो जो चेंज किया है वो है ये नीचे का पैनल, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप था। इनफैक्ट ये यहाँ पे कुछ लॉक्स है अंदर छोटा सा, तो वो टूट गया था, तो ये पूरा झूल गया था, तो इसलिए ये पूरा जो नीचे का पैनल है ये पूरा चेंज करके दिया है। तो ये एक है, ये एक चेंज किया है, और है कि ये जो व्हील में कुछ प्रॉब्लम था, साउंड कर रहा था जैसे कि आपने देखा है, तो वो प्रॉब्लम भी पूरा रिजॉल्व हो गया है। तो शांतिका थोड़ा सा चला के देखते हैं कि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ है कि नहीं, ठीक है। नहीं, अभी तो कोई साउंड नहीं आ रहा है, क्यों शांतिका? यस, कोई साउंड नहीं है। तो अभी इसका कोई साउंड नहीं है।
तो बहुत ही अच्छी एक चीज़ है, बहुत ही इम्प्रूवमेंट किया है ओला ने अपनी सर्विस की सेक्टर में, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो कोई भी अगर ओला S1 हो या फिर S1 प्रो हो, कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो बेझिझक आराम से खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मतलब सर्विस रिलेटेड तो कोई टेंशन तो लेना ही नहीं है आपको। तो बस ये वीडियो अभी यहीं तक। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है एंड आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। अगर हमारा काम आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि जिनको भी इस ओला की सर्विस रिलेटेड एंग्जाइटीज़ है उनका ये एंग्जाइटी दूर हो जाए। तो चलो बाय बाय।